थाना प्रभारी बंडा मनोज कुमार की ओर से सभी क्षेत्र और देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुंदेलखंड के जनपद महोबा के चरखारी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी ने नवोदय टीवी से चुनाव पर चर्चा कर बताया कि किसानों मजदूरों के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे कृषि आधारित उद्योगों और रोजगार के लिए लगातार पहले भी काम किया है और आने वाले समय पर भी आगे करते रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी ब्रजभूषण राजपूत ने कहा कि विधानसभा चरखारी के विकास के लिए हमेशा वचनबद्ध हूं और चुनाव जीतने के बाद योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रयास यही रहेगा कि चरखारी विधानसभा का लगातार और गांव-गांव का विकास करता रहूंगा। बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू राजपूत ने नवोदय टीवी के महोबा संवाददाता आपेंद्र गोस्वामी के साथ चुनाव पर चर्चा की। जिसने बुंदेलखंड का विकास किया उसने हमेशा राज किया, बने रहिएगा नवोदय टीवी में। उपेंद्र गोस्वामी महोबा धनसम है और राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज है। चरखारी विधानसभा से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जोर अजमाइश के लिए गुड्डू राजपूत जी को उतारा है मैदान में और इन्होंने लगातार किसानों के लिए की है सेवा। जानेंगे आगे का क्या प्लान है। चरखारी के किसान भाइयों के लिए पूरे 5 साल पूरी विधायक निधि समर्पित करनी है। किसान हमारे देश का रीढ़ की हड्डी हैं, उस हड्डी को मजबूत करना है। किसान की फैक्ट्री उनके खेत होते हैं, उस फैक्ट्री को मजबूत करना है। हमारे यहाँ किसान जब ट्यूबवेल के कनेक्शन लेने के लिए जाता है तो 3 लाख से ऊपर का ही एस्टीमेट बनता है और किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो लेने में सक्षम नहीं है। इसलिए मैंने तय किया, संकल्प लिया है कि विधायक बनने के बाद किसानों की फैक्ट्री मजबूत करूंगा, हर खेत में खम्मा और तार की लाइन लगवाऊंगा, जिससे कि हमारे यहाँ के किसान जो है टेम्प्रेरी कनेक्शन ले और लेकर 7 से 10 हज़ार में ही मात्र सिंचाई करें और साल में 3 फसलें लें। अभी हमारे यहाँ का किसान जो है 1 फसल ले पाता है और जब ये खेतों खम्मा और तार लग जाएंगे, सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ का किसान साल में 3 फसलें लेगा, उसको आर्थिक रूप से मजबूत होगा। चरखारी विधानसभा के जो नौजवान हैं बेरोजगार हैं, पलायन की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर और जब से आप विधायक बने पूरी 5 साल पलायन रुका हुआ है और आगे पलायन ना हो और रोजगार सृजन हो सके, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, रोजगार को लेकर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी योजना चला रहे हैं, आपको पता ही है, और हम भी यहाँ पे सरकारी में स्वावलंबन एकेडमी, बुंदेलखंड स्वावलंबन एकेडमी चला रहे हैं। लगभग 4 साल हो गए और इन 4 सालों में सैकड़ों युवा और हमारी बहनें जो है पुलिस और आर्मी में भर्ती भी हुई हैं। आगे ये कार्यक्रम को बढ़ाना है और अभी तो चरखारी एक तहसील में ही ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे यहाँ 2 तहसील हैं, दोनों तहसील में जो है इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे कि और संख्या बढ़ाएंगे और भी जो नौजवान हमारे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो भी नौजवान अपनी योग्यता अपनी क्षमता के अनुसार हमसे सहयोग मांगता है तो हम उनकी मदद करते हैं। बाकी देश के प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों के लिए इतना कुछ सोच के रखा हुआ है और योगी जी ने नौजवानों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए इतना कुछ सोच के रखा हुआ है, भ्रष्टाचार कम होगा, गुंडागर्दी कम होगी तो निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेगा। पहले तो भ्रष्टाचार के कारण जो है यहाँ पर काम ही नहीं हो पाता था, विकास ही नहीं हो पाता था, गुंडागर्दी के कारण जो है व्यापारी व्यापार ही नहीं कर पाता था, जो व्यापारी पैसा कमाते